पेपे कॉइन या बॉमकॉइन अब ये दोनों कॉइन जो है वो मार्केट में एक ही नेरेटिव का है जो की मीम कोइन का अब मीम कोइन का सभी है वो कोई ना कोई लगड़ा लुड़ा जितना भी क्वन है सब यहाँ पे काफी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और स्पेशली पेपे और बॉमकॉइन जो है वो यहाँ पे मार्केट में तोड़फोड़ मचा रहे अब इंपोर्टेंटली अगर हम बात करें अभी यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या आपको कौन सा कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या अभी भी मौका है इतना रिटर्न देने के बाद क्या अभी भी यहाँ पे मौका है आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे डिसेंट रिटर्न बना के देने का तो देखिए अगर आपको डिटेल्ड में चाहिए पेपे -पे और बॉन्ग के बारे में तो मैंने ऑलरेडी ये वीडियो जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस पर मैंने बात किया है पेपे -पे और बोंग के बारे में करीब करीब यहाँ पे 25 दिन या एक महीने के आसपास होगा डिस्क्रिप्शन पे लिंक है या एंड कार्ड पे आपको लिंक मिल जाएगा उस पर जाके आप डिटेल्ड में आपको यहाँ पे सभी कुछ चीजें जो है वो समझ में आएगा और बॉन्ग के बारे में अब इस वीडियो में हम रिसेंट यहाँ पे न्यू यूजर्स जो है यहाँ पे मार्केट में आ रहे हैं नए नए मार्केट में आ रहे हैं कुछ ही दिनों के अंदर काफी सारे यहाँ पे मार्केट में नए यूजर्स नया इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट में आए हैं इंडियन मार्केट से हम बात करें या काफी अदर यहाँ पे मार्केट से तो उनके लिए हम हम बात 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 कर रहे हैं पे पे, पे पे शॉर्टकट वीडियो में करेंगे है या करना तो तो अगर पे हम पे -पे कौन का बात करें तो करंटली मार्केट पे आप देख सकेंगे पे, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे जब वीडियो बनाया था तब आप जाके पे देख लीजिए मेरा जो वीडियो में में बात किया है उस पे उसपे पे 800 समथिंग मिलियन के आसपास था और अभी यहाँ पे अप्रोक्सिमेटली 4 बिलियन के आसपास होने को है तो इतना ज्यादा मैंने वीडियो बनाने के बाद इतना ज्यादा पे पंप जो है इन दोनों में यहाँ पे देखने को मिला है अब अगर हम बात करें का यहाँ पे जो कर, सर्कुलटिंग सप्लाई जो है वो यहाँ पे फोर ट्रिलियन है और जितना भी उसका मैक्सिमम सप्लाई हो सकता था वो कंप्लीटली यहाँ पे सर्कुलेट जो है वो हो चुका है लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें बॉन्ग का तो बॉन्क जो है वो यहाँ पे उसका टोटल मार्केट कैप जो है करेंटली यहाँ पे टू बिलियन है का था 3.7 बिलियन और इसका यहाँ पे 2 बिलियन और अगर हम इसका सपोर्टिंग सप्लाई के बारे में बात करें तो टोटल मैक्सिमम सप्लाई जो है वो यहाँ पे इसका नाइनटी थ्री यहाँ पे सकता है और जो जितना भी सप्लाई है

जिस चीजों में हम फोकस करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स जिस कॉइन में जाएंगे उसी कॉइन का यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा अगर हम पेपे कॉइन का बारे में बात करें तो पेपे कॉइन करंटली मार्केट में काफी अच्छा यहाँ पे कर रहा है इन कम्पेरिजन टू कॉइन बोकॉइन हाँ कॉइन में भी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है लेकिन उतना नहीं उतना कॉम्पिटिशन में नहीं आ रहा है जितना यहाँ पे पेपे -पे कॉइन यहाँ पे कर रहा है और पेपे -पे कॉइन का कुछ चीजें जो है टीम अगर हम बात करें वो एक्सट्रीमली यूजफुल तरीके से एक्सट्रीमली एक्टिव तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं मार्केट में जितना भी यहाँ पे बंदे हैं आने वाले टाइम में इथेरियम में जो भी लोग प्रॉफिट करेंगे डेफिनेटली वो इथेरियम इकोसिस्टम का यहाँ पे आने वाला टाइम में इथिरियम इको सिस्टम इथेरियम का अपग्रेड के साथ जो है जो है डंकन अपग्रेड इथेरियम का होगा उसके बाद उसमें पैसा जो है वो काफी ज्यादा फ्लो होगा और उसके बाद उसी का नेगेटिव का या उसी का ब्लॉकचेन का जितना भी अदर कॉइन है उनमें यहाँ पे पैसा फ्लो होने का काफी ज्यादा चांसेस है सो इसीलिए यहाँ पे पेपे कॉइन में पैसा इनपुट होने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है इन कम्पेरिजन टू कॉइन तो जितना भी आपको पंप यहाँ पे नजर आ रहा है कॉइन का या पेपे कॉइन का वो अभी तो यहाँ पे शुरुआत है अभी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पंप जो है इतना देखने को नहीं मिला है और ये काफी लंबा होने वाला है तो दिसंबर में हमको यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्रिटीसी का जब यहाँ पे हंड्रेड थाउजेंड डॉलर को क्रॉस करेगा उसके बाद इनका तो रफ्तार और भी तेज होना है तो इसीलिए आने वाले टाइम में यह चीजें मिलेगा लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप अपना प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे बुक करते चलिए जितना भी प्रॉफिट है अपना आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जितना है वो यहाँ पे मतलब थोड़ा यहाँ पे निकाल लीजिए अगर आपने पहले से यहाँ पे बॉक के में इन्वेस्टेड है तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे पैसा ऑलमोस्ट यहाँ पे एट एक्स सेवन एक्स जो है वो हो चुका होगा तो यहाँ से करीब करीब आपका जितना भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो यहाँ पे मैं कृपया रिक्वेस्ट कर रहा हूँ निकाल लीजिए क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है बुल्डन में अच्छा खासा देंगे आने वाले टाइम में चीजें होगा नो डाउट लेकिन फिर भी एक्साइज साइड सिक्योर साइड में यहाँ पे चलने के लिए इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो यहाँ पे बुक करके रख दीजिए तो आने वाले टाइम में

जो इथेरियम का डंकन अपडेट के साथ यहाँ पे काफी कुछ चीजें यहाँ पे रिलेटेड हो सकता है तो इसी की वजह से कॉइन का यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे आने वाले टाइम में भारी मतलब उसका पलरा जो है वो यहाँ पे थोड़ा भारी भारी हो जाता है इसमें रिटर्न देने का चांसेस जो है वो काफी ज्यादा है उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीजें जो है वो मैं यहाँ पे क्लियर तरीके से आपको समझा पाया अगर आने वाले टाइम में आपको कोई भी कॉइन में यहाँ पे कंपेरजन चाहिए डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आई लव टू रिप्लाई दैट मैं उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा डिटेल में मैंने जब बात किया था वो यहाँ पे साइड में देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक कीजिए जाके वो वीडियो देखिए उम्मीद करता हूं आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया अगर आपको वीडियो चल रहा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चाहता तो सब्सक्राइब करना नोटिफिकेशन बेल बेलकॉ पर क्लिक कर देना तो चलिए चले लेते मिलता अगले किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक ले टाटा बाय बाय थैंक यू